अगर आपने अभी तक यूनिवर्स टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं यूनिवर्स टेक्निकल। यूनिवर्स टेक्निकल पे आज मैं आप लोगों के साथ जो कल ही रिलीज़ हुआ है सैमसंग गैलेक्सी का जो डिज़ाइन है, कब रिलीज़ होगा, सब कुछ जो कल ही सैमसंग की ओर से पता चला है, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले हमारे चैनल पे एक गिव अवे कंटेस्ट चल रहा है रेडमी 3S प्राइम के ऊपर। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डाला हुआ है, जाके पार्टिसिपेट कीजिए। आप में से कोई एक लकी विनर को रेडमी 3S प्राइम, मेरे चैनल यानी कि द यूनिवर्स टेक्निकल और द वायरल ट्रिक्स नाम के एक और चैनल है उनकी तरफ से जो है 3S प्राइम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल ही सैमसंग ने अपना जो गैलेक्सी S8 है और S8 प्लस है उसको ऑफिशियली जो है बोल दिया है कि फ़ोन कैसा होगा। बहुत दिनों से हम लोग जानते थे कि फ़ोन के बारे में पता चल नहीं रहा था कि फ़ोन कैसा होगा, कहीं कहीं से रूमर्स आ रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा क्या 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 होगा। तो एट द एंड जो है हम लोगों को पता चल चुका है दोस्तों कि फ़ोन में आखिर क्या क्या है। फ़ोन का जो गैलेक्सी S8 है उसमें आपको मिलेगा 5.8 इंच का डिस्प्ले, और जो गैलेक्सी S8 प्लस है उसको आप उसमें आपको मिलेगा 6.2 का डिस्प्ले। ठीक है, ये जो डिस्प्लेस होंगी ना ही वो 2K होंगी ना ही वो 4K होंगी, ये 2K और 4K के बीच में एक डिस्प्ले जो है। सैमसंग कहता है जो डिस्प्ले होगा वो है नाइट विजन मोड के साथ। ठीक है, जो डिस्प्ले आपको मिलेगा नाइट विजन मोड की तरह ही कुछ है उसमें जो है आपको मिलेगा। प्रोसेसर जो यूज़ किया गया है सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में, दोनों ही केस में जो है स्नैपड्रैगन का 835 या सैमसंग का ही एक प्रोसेसर जो है यूज़ किया गया है। दोनों के दोनों प्रोसेसर ही 10 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, कैमरा की बात अगर हम लोग करें तो कैमरा के मामले में सैमसंग ने बिल्कुल नोट 7 की तरह ही जो है कॉपी कर दिया है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और पीछे की तरफ जो है वही सेम वाला बैक कैमरा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बैटरी मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात है सैमसंग की इस टाइम पे बैटरी की अगर हम बात करें तो गैलेक्सी S8 में आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है और गैलेक्सी S8 प्लस में जो है आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है दोस्तों। फ़ोन जो है वो एग्जैक्टली डेट जो निकल के आया है रिलीजिंग का 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल को ऑफिशियली जो है ये ग्लोबली मार्केट में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कि फ़ोन के जो प्राइस है वो तो ऑब्वियसली बहुत ही हाई होंगे। ठीक है, और बेसिक के जो सेंसर्स हैं IR सेंसर्स या फिंगरप्रिंट प्रॉक्सिमिटी सभी के सभी सेंसर्स आपको इन फ़ोन के अंदर इनबिल्ट मिल जाते हैं दोस्तों। आप एकदम वही जो कुछ है मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो बेजल बहुत ही कम है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी बेजल दिया गया हुआ है दोस्तों, और कहीं पर भी बेजल नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा बेजललेस ही डिस्प्ले है और ऊपर से नीचे से कर्व होने के मामले कर्व जो है फ़ोन थोड़ा सा कर्व दिख रहा है आपको, तो इसीलिए जो है फ़ोन और भी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। अब आते हैं मेरी ओपिनियन की ओर। मेरी मानिए तो दोस्तों फ़ोन तो लग रहा है कि अच्छा ही है। ठीक है, हालाँकि कोई ह्यूज चेंज नहीं है, हाँ, क्योंकि हम लोग अगर पहले के गैलेक्सी नोट 7 को देखें तो लगता है वैसा ही है, थोड़ा बस डिज़ाइन को चेंज करके हम लोगों को दिखाया गया है, कैमरा को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, प्रोसेसर जो है वो चेंज करके दिखाया गया है। ये देखिए, ये है गैलेक्सी S8 प्लस और S8, ये खरीद लीजिए। तो इस बार इस फ़ोन के अंदर सैमसंग जो है सबसे ज़्यादा अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखेगा, क्योंकि पहला हादसा वो अभी तक भुला नहीं पाया है शायद, या जोक्स अपार्ट ये जोक्स था, पर देखते हैं कि इंडिया में जब लॉन्च होता है तो किस कीमत पे लॉन्च होता है, और अगर थोड़ा बजट रेंज में अगर लॉन्च होता है दोस्तों तो ये फ़ोन ज़रूरी एक किलर फ़ोन साबित होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे ये फ़ोन लॉन्च होता है इंडिया में या ग्लोबली में जो भी कहें, कैसे इस किस कीमत पे या किस प्राइस पे जो है सैमसंग इसको लॉन्च करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, क्योंकि मैंने सैमसंग गैलेक्सी के बारे में आपको सब कुछ जो है बता दिया है दोस्तों। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।